वॉटरफॉल सबसे शानदार होते हैं जो नेचर हमें प्रदान करते हैं। कोई भी ये एक झरने के माध्यम से नेचर की शक्ति और महिमा को समझ सकता है। एक सुंदर झरने से रूबरू करने के लिए नेचर ने हमें बहुत सारे सुंदर वॉटरफॉल्स भी दिए हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकूट वॉटरफॉल्स के बारे में, जिसे इंडिया का नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। अब इस जगह के बारे में इतना क्या महान है कि इसकी तुलना दुनिया के सबसे भव्य और सुंदर वॉटरफॉल से की गई है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानते हैं। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल अबाउट चित्रकूट वॉटरफॉल्स। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्लेस में स्थित चित्रकूट वॉटरफॉल एक शानदार नेचुरल और बहुत ही बड़ा वॉटरफॉल है। ये 95 फीट की ऊंचाई से गिरता है और लगभग 985 फीट जितना चौड़ा है, जो कि शानदार नायग्रा फॉल्स का 1/3 है। इसके कारण ये इंडिया का सबसे चौड़ा झरना है। दूर से फॉल्स इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि आप कभी भी अपने आंखें बंद नहीं कर पाएंगे। चित्रकूट फॉल्स जगदलापुर शहर के वेस्ट साइड में 38 किलोमीटर और वहां की कैपिटल रायपुर से 276 किलोमीटर दूर स्थित है। ये इंद्रावती नदी पर गिरते हैं, जो उड़ीसा में निकलती है और फिर वेस्ट में बहती है और चित्रकूट में गिरते हैं, फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करते हैं और लास्ट में गोदावरी नदी में मिक्स हो जाते हैं। नदी का उपयोग कई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है। ये कांगर वैली नेशनल पार्क में स्थित है, जिसमें तिरथगढ़ फॉल्स भी है, जो चित्रकूट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ऑफ सीजन के दौरान फॉल्स कई छोटे छोटे दरों में फैल जाते हैं और एक घोड़े की नाल की आकार में अलग अलग बहते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट चित्रकूट वॉटरफॉल्स। जुलाई से सितंबर के मंथ में मानसून का वक्त होता है और शानदार चित्रकूट झरने की यात्रा का सबसे अच्छा समय भी ये है। कभी कभी बारिश के ठीक बाद आप धुंधले आसमान में एक सुंदर रेनबो भी देख सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा पूरी तरह से एडवेंचरस और रोमांचित भी हो जाती है। नवंबर से जनवरी के सर्दियों के महीने भी फॉल्स की यात्रा करने के लिए एक अच्छा समय हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल परेशानी मुक्त यात्रा चाहते हैं, तो इस मौसम में माहौल थोड़ा शांत और ठंडा रहता है। Why is it so beautiful? वॉटरफॉल के ठीक नीचे एक पॉन्ड देखा जा सकता है, जहां भगवान शिव का मंदिर है। प्राकृतिक रूप से बनाई गई केव्स आसपास में पाई जा सकती है, जिन्हें पार्वती गुफाएं कहा जाता है। कुछ नाव एक फॉल्स के पास पाई जाती है, जो आपको गिरते हुए पानी को करीब देखने के लिए फॉल्स के नीचे हिस्से में ले जाएंगे। हालांकि बच्चों या बुजुर्गों को वॉटरफॉल के बहुत करीब ना ले जाना ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि पानी की गति बहुत अधिक हो सकती है। How to reach चित्रकूट वॉटरफॉल। आप चित्रकूट वॉटरफॉल्स का ही माध्यम से जा सकते हैं। एरोप्लेन। चित्रकूट वॉटरफॉल को रायपुर एयरपोर्ट या विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से पहुंचा जा सकता है, जो लगभग 285 किलोमीटर और 340 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रेन। जगदलापुर सिटी में एक रेलवे स्टेशन है, जो कोलकाता, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर जगहों से जुड़ा हुआ है। जगदलापुर वॉटरफॉल से 38 किलोमीटर दूर है। रोड। हालांकि जगदलापुर एक छोटा सिटी है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में काफी पॉपुलर है, इसीलिए ये स्टेट का कैपिटल रायपुर के साथ साथ रोडवेज द्वारा स्टेट के बाकी हिस्सों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी चित्रकूट वॉटरफॉल्स के बारे में कुछ खास बातें। तो अभी डेफिनेटली चित्रकूट वॉटरफॉल्स को अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में ऐड कर ही लीजिए। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।